एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिनभर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो भारत और चीन जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, जो घमासान चल रहा है, उस तरफ से निकल कर सामने आ रही है। आपको पता है कि कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था, तो उसे तीन दिन पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ तीन महत्वपूर्ण हाइट्स पर, चोटियों पर भारत का कब्जा हो गया है, जो कि चीन पर नज़र बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक थी। और अभी तक ये ऐसा क्षेत्र था जहां पर भारत नहीं चढ़ा हुआ था, या ये अनक्लेम्ड इलाका था। अनक्लेम्ड इन द सेंस यहां पर कोई भी सेना नहीं थी। वैसे तो ये भारत की जो LAC की क्लेम लाइन है उसके अंदर ही है, पर अभी जो एक्चुअल LAC है वो भारत की तरफ ज़्यादा है, और उसके बाद ये चोटियाँ पड़ती हैं, यानी कि चीन की तरफ ये चोटियाँ पड़ती हैं। चीन के मुताबिक तो उस पर कब्जा कर लिया था तीन, और अब यह खबर निकल कर आ रही है कि 30 ऐसी हाइटों पर कब्जा कर लिया गया है जिससे कि चीन पर नजर बनाई जा रही है। ये हाइट्स पेंगोंग लेक के सदर्न इलाके में है, और मैं आपको यहां पर बता दूं कि जो पूरा ईस्टर्न लद्दाख में जो विवादित क्षेत्र है वो लगभग 1600 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें से लगभग 1200 स्क्वायर किलोमीटर पेंगोंग से के उत्तरी इलाके में पड़ता है, जिसमें कि देपसांग भी आता है। उसमें 1000 वर्ग किलोमीटर का लगभग इलाका है, और लगभग 350 वर्ग किलोमीटर का जो इलाका है वो इस सदर्न रीजन में आता है। यहां पर सदर्न रीजन पर कब्जा से भारत को क्या फायदा होने वाला है? ग्राउंड पे भी फायदा होने वाला है और टेबल पे भी फायदा होने वाला है। जब दोनों ही देशों के जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो आपस में बात करेंगे तो लेन देन की बात होती है। ये जो जमीन विवाद होता है, सीमा विवाद होता है, ये सब लेन देन पे होता है। उनको क्या दिया जा रहा है और उनसे क्या लिया जा रहा है। हमारे पास भी जमीन होनी चाहिए, तभी जाकर टेबल पर भी उनसे नेगोशिएशन हो सकेगा। तो इसी के तहत ये कार्रवाइयां की जा रही हैं ताकि जल्द से जल्द ये हाइट्स जो हैं उन पर कब्जा कर लिया जाए चीन से पहले, क्योंकि भारत ने ये देखा था, ये सर्विलांस में पता चला था कि चीन इन हाइट्स पे कब्जा करने जा रहा है, जिससे कि भारत को टेबल पे और ऑन ग्राउंड दोनों पे नुकसान होने वाला है। तो भारत ने पहले ही नया मोर्चा खोल दिया जो कि चीन सोच भी नहीं सकता था। अब जो टेबल पे भारत की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है, और ग्राउंड पे भी मजबूत हो गई है। कहा जा रहा है कि चीन इस इलाके में अपनी जितनी भी टैंक वाली जो रेजिमेंट है उसको डिप्लॉय कर दिया है, और भारी मात्रा में डिप्लॉयमेंट चल रहा है। भारत की तरफ से भी यहाँ पर टैंक रेजिमेंट भारत ने डिप्लॉय की हुई है। T-90 की बात की जाए, T-72 की बात की जाए, अपग्रेडेड T-72 की बात की जाए, इन सभी को यहाँ पर डिप्लॉय किया जा रहा है, डिप्लॉय किया गया और हैवी डिप्लॉयमेंट हो रहा है। यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगा स्पांगुर जो गैप है उसका, जो कि 2 किलोमीटर का लगभग गैप है, और यहां से भारत चीन की तरफ आसानी से कूच कर सकता है। इस पर भारत का कब्जा है। यदि यहां पर चीन का कब्जा होता तो चीन की फौज इस पूरे गैप से भारत के अंदर घुस आती, और अब भारत का इस पर कब्जा है तो यहां से भारत की फौज चीन के इस इलाके में, सदर्न रीजन में आसानी से घुस सकती है, अपनी पूरी टैंक डिप्लॉय कर सकती है, क्योंकि 2 किलोमीटर का जो रास्ता है वो आसानी से टैंक ले जाने के लिए और भारी टैंक तक ले जाने के लिए काफी है। हमने ये देखा था कि SFF यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जो कि तिब्बतन रिफ्यूजीज को लेकर बनाई हुई थी, 1962 में इसको बनाया गया था, उसने यहां पर बहुत बड़ी कार्रवाई की है और हाइट्स को कब्जा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अपनी पहली कैजुअलिटी भी देखी है। तो अब यह खबर निकल कर आ रही है जो इनका डिप्लॉयमेंट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और जहां से इनका कॉन्वॉय निकल रहा है, जो तिब्बतियन रिफ्यूजीज हैं, कॉलोनीज हैं देहरादून में या अलग अलग इलाकों में, वहां से इनको बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है। लोग नारे लगा रहे हैं भारत तिब्बत फ्रेंडशिप के, और दोनों ही देशों के झंडे देखने को मिल रहे हैं। उनको यह गर्व का अनुभव हो रहा है कि चीन के खिलाफ उनके लोग अब लड़ रहे हैं, वो चाहे भारतीय आर्मी के जरिए ही क्यों ना हो, पर चीन के खिलाफ जो उनका गुस्सा है उससे लड़ाई में भारत को और तिब्बत को दोनों को फायदा होने वाला है। वहीं एक और खबर निकलकर सामने आई है जो कि चीन से रिलेटेड ही है। चीन और ताइवान के बीच में जो घमासान है वो सभी को पता है। चीन हमेशा ही साउथ चाइना सी में कुछ इस प्रकार से एक्सरसाइज करता है कि वो ताइवानीज एयर क्षेत्र में घुस जाता है, उसके एरोप्लेन्स घुस जाते हैं, और ताइवान तब अपने प्लेन्स भेजता है, एयरक्राफ्ट भेजता है, लड़ाकू विमान भेजता है, तब जाके वो उसके एयर क्षेत्र से हटते हैं, और ये लगातार होता रहता है, हर रोज होता है। आज खबर में निकलकर सामने आया कि ताइवान की सरफेस टू एयर मिसाइल ने
एक SU-35 को मार के गिरा दिया है जो कि चीन का था, रशियन ओरिजिन का ये एयरक्राफ्ट है। और ये जो चीज हुई है, ये जो घटना हुई है, वो एक आइलैंड के पास में हुई है जो कि वियतनाम की सीमा से जुड़ा हुआ है, जो कि इंटरनेट पे एक बहुत बड़ी खबर बन गई है। पर चीन के द्वारा भी इसका खंडन किया गया है और ताइवान के द्वारा भी इसका खंडन किया गया है। ताइवान का यह कहना है कि इस प्रकार की जो इंटरनेट पर खबरें आई हैं वो केवल सेंसेशन बनाने के लिए है और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है, यह फेक न्यूज है। और कुछ लोगों का मानना है कि यह SU-35 में कुछ ग्लीच आने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, न कि ताइवान ने इसको मारकर गिराया है। अब सच क्या है ये तो दोनों ही देश की अथॉरिटीज जानती होंगी, पर इंटरनेट पे खबर निकली कि ताइवान ने मार के गिराया है, पर ताइवान ने इस खबर का खंडन किया है। वही बात करते हैं अपने रक्षा मंत्री की रशिया विजिट की, तो दो तीन चीजों पर काम करना था, S-400 पे काम करना था, AK-203 राइफल्स पे काम करना था, और जो चीन के साथ स्टैंड ऑफ हो रहा है उस पर भी काम करना था। दो चीजों पे काम निकलकर सामने आ गया है कि S-400 की जो डिलीवरी है वो फिर से रशिया ने कहा है कि वो सुनिश्चित करेगा, जल्द से जल्द सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा जो AK-203 राइफल थी उस पर भी, जो दोनों ही देशों के बीच में अब एक राय बन चुकी है और इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाएगा, और इस पर साइन भी हो गया है कि अब इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा भारत में। तो हो सकता है अगले महीने से हम इसका प्रोडक्शन देख भी सकते हैं और पहली खेप इस साल के अंत तक डिलीवर भी हो सकती है। वहीं चाइना और इंडिया स्टैंड ऑफ वाला जो मुद्दा था, उसमें चाइना के रक्षा मंत्री भारत के रक्षा मंत्री से मिलना चाह रहे हैं। अभी मुलाकात होती है नहीं होती है ये कुछ नहीं पता है, पर जब से स्टैंड ऑफ हुआ है चीन के साथ, उनके रक्षा मंत्री ने 3 बार इस चीज की पेशकश की है कि वो भारतीय रक्षा मंत्री के साथ बात करना चाहते हैं, पर उनकी अभी तक ये चीज सफल नहीं हो पाई है। देखना यह है कि आगे क्या होता है। इसके अलावा पाकिस्तान को भी साधा गया इस रशिया विजिट में, और रशिया ने फिर से ये क्लियर किया है कि पाकिस्तान को वो किसी भी प्रकार के हथियार न देने की जो पॉलिसी है उसी पर अडिग रहेगा और उसी पर काम करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को यदि वो हथियार बेचता है तो भारत जैसा बड़ा कस्टमर उनसे दूर हो जाएगा। तो ये सब चीज सब लोग जानते हैं कि किसी भी स्थिति में पाकिस्तान को वो बड़े बड़े हथियार तो नहीं बेचेगा। हालांकि बहुत से ऐसे चाइनीज ओरिजिन के एयरक्राफ्ट या डिफेंस इक्विपमेंट हैं जिनमें रशियन चीजें लगकर आती हैं, तो वो जो बिजनेस है वो तो चालू रहेगा क्योंकि रशिया को भी पैसे कमाने तो हैं ही। वही भारत और रशिया के बीच में इंद्रा 2020 एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है और ये आज और कल तक रहेगी। भारत ऐसा देश है कि चीन के साथ विवाद के बाद जापान, अमेरिका और रशिया तीनों के साथ वो एक्सरसाइज कर रहा है। भारत की नेवी अंडमान इलाके में एक्सरसाइज कर रही है रशियन नेवी के साथ। तो इस प्रकार से भारत की पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से 2 महाशक्ति 3 महाशक्ति को आसानी से भारत साध के रखा हुआ है। ऐसे सिनारियों में जब भारत का सबसे बड़ा दुश्मन आंखें दिखा रहा है, और उस समय ऐसे देश जो कि विश्व में बहुत बड़ा बड़ा स्थान रखते हैं वो भारत के साथ खड़े हैं। वहीं चीन ने कुछ मिलिशिया स्क्वाड बनाए हुए हैं, कुछ 5 ऐसे मिलिशिया स्क्वाड बनाए हुए हैं जिसको भारतीय बॉर्डर पे LAC पे वो डिप्लॉय कर सकता है। इससे पहले भी हमने गलवन क्लास में ये सुना था कि मिलिशिया ग्रुप को उसने डिप्लॉय किया हुआ है, तो आए उसके मिलिशिया ग्रुप आए। इसमें उन तिब्बती लोगों को रखा गया है, इसके अलावा किक बॉक्सर्स को रखा गया है और मारपीट करने वाले कुछ गुंडोज को रखा गया है। तो ये आए आसानी से, क्योंकि इन्हीं की पिटाई के बाद चीन को ये पता लगेगा कि किस प्रकार से वो भारतीयों से पिट सकता है, और भारतीयों को भी अपनी जो भड़ास है, इतने दिन से बेचारे तैनात हैं वहाँ पर, ठंडे इलाके में तैनात हैं, किसी पर तो भड़ास निकालनी है उनको, तो आए ये मिलिशिया ग्रुप, इनको अच्छे से पीटा जाएगा और कचरा जाएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मत कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।